सियासत कभी पक्के तो कभी कच्चे रास्तों से गुजरती है। जहां पर बीजेपी सत्ता का स्वयंवर जीतने के लिए सिर्फ मोदी पर निर्भर है और कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी और उनकी न्याय योजना पर निर्भर है, और दोनों पार्टियों को लगता है कि ये 2019 की जंग जीत जाएंगी। लेकिन एक और बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि मानो 2019 का चुनाव मोदी और राहुल है, बीजेपी को लगता है कि ये चुनाव मोदी का है और 2019 चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कभी आक्रामक तो कभी रक्षात्मक खेल खेलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मतदाताओं में आक्रोश और आकांक्षाएं बीजेपी कांग्रेस दोनों से है, इसीलिए टिकट बंटवारे के समय दोनों पार्टियां बड़ी ही सूझबूझ के साथ और सारे समीकरण और गणित बिठाने के बाद टिकट की घोषणा कर रही हैं। दो दिन पहले बीजेपी ने अभिनेता सनी देओल को पार्टी में शामिल कराकर अपने पास 2.5 किलो का हाथ का बड़ा समर्थन होने का संकेत दे दिया, तो कांग्रेस ने इसके जवाब में बड़ा दाव खेलकर बॉक्सर विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें दक्षिणी दिल्ली से चुनाव मैदान पर उतार दिया है। कांग्रेस की इस सियासी चाल को बीजेपी के 2.5 किलो के हाथ का जवाब माना जा रहा है। इसी सिलसिले में जब विजेंद्र सिंह दिल्ली में दक्षिण दिल्ली से अपना नामांकन करा रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने सवाल दागा कि बीजेपी के पास तो अब 2.5 किलो का हाथ है। इस पर विजेंद्र ने अपनी मसल्स दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास पावरफुल बाइसेप्स है। विजेंद्र ने आगे कहा कि कांग्रेस अब तेजी से पंच मार सकती है और अपना हाथ भी पंचिंग पोज में दिखाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण दिल्ली और पंजाब के गुरदासपुर में क्या होता है। क्या 2.5 किलो का हाथ बीजेपी के लिए और विजेंद्र कांग्रेस के लिए लकी साबित होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।